touch it, touch it, touch it, touch it. ओके सो गाइज, कैसे व्हाट्सएप करो आज की वीडियो में सिखाने वालों रील्स से ट्रेंडिंग वीडियो एडिटिंग। आपने रील्स में ये वाली वीडियो तो जरूर दी, क्योंकि इसमें गाइज कपड़ों का कलर चेंज हो रहा है। अगर आप इस तरह की अपनी खुद की वीडियो बनाकर रील्स पर अपलोड करोगे ना, आपकी वीडियो में अच्छा खासा रिस्पॉन्स आने वाला है। उससे पहले गाइज, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक करो, शेयर एंड सब्सक्राइब, और घंटी को ऑल पर प्रेस कर देना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। ऑल राइट गाइज, वीडियो एडिट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी हुई जिसका नाम है काइनमास्टर। काइनमास्टर डाउनलोड करने के बाद ओपन करना है, इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। आपने इस प्लस आइकन पर क्लिक कर रहे हैं और कुछ फ्रेम शो कर रहे हैं आपकी वीडियो का, जो भी फ्रेम आपको सिलेक्ट कर लेना है। सो यहाँ से मैं 9.16 इस फ्रेम को मैंने सिलेक्ट किया। फिर आपको मीडिया पर क्लिक करना है और फर्स्ट में एक ऑप्शन जो बैकग्राउंड क्लिक करना है, कुछ कलर शो कर रहे हैं। यहाँ से आपने एक कलर का बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है। सो मैं वाइट सिलेक्ट करता हूँ और टिक पे क्लिक करा, बैकग्राउंड आ चुका। जो बैकग्राउंड है इसकी लेंथ लंबी करनी है, सो लेंथ लंबी कर लेते हैं। क्लिक करना बैकग्राउंड पे और इस तरीके से खींच कर लेंथ लंबी करनी है। ओके देख लीजिए, लेंथ लंबी हो चुकी है। जो वाइट बैकग्राउंड है क्लिक करना है और इसको हल्का सा मूव करना है। मूव करने के बाद ऊपर एक ऑप्शन से उग रहा है कैच का निशान, क्लिक करना है और कुछ ऑप्शन से उग रहा है, यहाँ से आपको स्प्लिट सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये देख लीजिए कट हो चुका है। फिर आपको लेयर मूव करनी है, फिर आपको स्प्लिट पे क्लिक करना है, लेयर मूव करनी है, स्प्लिट पे क्लिक करना है। आपने इस तरीके से लेयर को कट कर लेना। ओके सो गाइस देख लीजिए, लेयर कट हो चुकी है और जो फर्स्ट लेयर है क्लिक करना है और ऊपर एक ऑप्शन से वो करना है कलर, क्लिक करना है और यहाँ से आपने एक कलर सेलेक्ट करना है। सो यहाँ से मैं सबसे पहले रेड कलर सेलेक्ट करता हूँ और टिक पे क्लिक करा। गाइस देख लीजिए, फर्स्ट बैकग्राउंड रेड हो चुका और जो सेकेंड हम इसे वाइट छोड़ देते हैं। और थर्ड पे क्लिक करना है और कलर पे क्लिक करना है, हम इसे कर लेते हैं हमें ब्लू। ठीक है, सो यहाँ पे गाइस ब्लू हो चुका है, टिक पे क्लिक करना है। और जो फोर्थ है क्लिक करना है, कलर पे जाना है, आपने इस तरीके से कलर चेंज कर लेना। ठीक है, सो मैं सभी लेयरों में कलर ऐड कर लेता हूँ। सो गाइस देख लीजिए, मैंने सभी लेयरों में कलर ऐड कर लिया, आपने भी अलग अलग कलर ऐड कर लेने। ओके और अब इसमें एक वीडियो ऐड करनी, आपने एक अपनी खुद की वीडियो रिकॉर्ड करनी इस तरीके। जब भी आप वीडियो रिकॉर्ड करो, आपने आपको एक ही कलर के कपड़े पहने तभी कलर चेंज होगा कपड़ों का। तो आपने एक इस तरह की वीडियो रिकॉर्ड करनी, वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद इसमें आप एक वीडियो ऐड कर लेनी है। तो वीडियो ऐड करते हैं, लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और उस वीडियो को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, आपने जो रिकॉर्ड कर रखी है आपने उसे सेलेक्ट करना है। सो मैंने वीडियो सेलेक्ट करी और इसका फुल साइज़ का लेना है। गाइस देख लीजिए, फुल साइज़ हो चुका और जो हमने वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है क्लिक करना है। साइड में कुछ ऑप्शन शो कर रहे हैं, एक ऑप्शन शो कर रहा है क्रोमा की, क्लिक करना है, इस ऑप्शन को ओपन करना है। और एक ऑप्शन शो कर रहा है की कलर, क्लिक करना है और यहाँ से गाइस आपने उस कलर को सेलेक्ट करना है जिस कलर के आपने कपड़े पहनने के। सो गाइस यहाँ पे ग्रीन पहनने के, तो यहाँ पे मैं ग्रीन कलर से यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ और टिक पे क्लिक करा। टिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो लाइन शो कर रहे हैं। ठीक है, आपने इन्हें कम ज़्यादा करके सेट कर लेना है। सो यहाँ पे गाइज मैं इसे हल्का सा कम करता हूँ यहाँ पे इतना, और एक ग्राफ शो कर रहा है इसे मैं हल्का सा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, आपने अपनी वीडियो के हिसाब से देख लेना है। टिक पे क्लिक करना है और गाइज देख लीजिए कपड़ों का कलर गाइज यहाँ पे देख लीजिए चेंज हो रहा है। और जो यहाँ पे हमारी कलर वाली लेयर है, ठीक है, इनकी लेंथ लंबी हो चुकी है, इनकी लेंथ छोटी करनी है। सो हम यहाँ पे इनकी लेंथ यहाँ पे छोटी कर लेते हैं। सो गाइज देख लीजिए, भाई सारी लेंथ छोटी हो चुकी है और आपको वीडियो प्ले करके दिखाते हैं। देख लीजिए कपड़ों का कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका, आपने इस तरीके से ऐड कर लेना। अगर आपके फेस में कलर आ जाता है, ठीक है, तो उसे सेट करने के लिए करने क्या होगा, जो हमारी वीडियो वाली लेयर क्लिक कर रहे हैं और फिर आपको जाना है क्रोमा की पे और यहाँ पर दो लाइन है। ठीक है, आपने कम ज़्यादा करके यहाँ पर सेट कर लेना है। ठीक है, ओके सो यहाँ पे सैड है क्योंकि आपने इस तरीके से अपनी वीडियो एडिट कर लेनी। ओके और अब इससे वीडियो को सेव करना, वीडियो सेव करने के लिए एक ऑप्शन शो कर रहा है यहाँ पे शेयर, क्लिक करना है और क्वालिटी सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और आपने इस तरीके से वीडियो अपने मोबाइल में सेव कर लेनी है।